अफसोसनाक खबर शामिल करें। मौलफ लाहौर की तीसरी मंजिल में आग तसदकी हुई है। रेस्क्यू टीमों ने आग पर काबू पा लिया है और कूलिंग का अमल इस वक्त जारी है, जबकि रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि आग ऑफिस में लगे एसी की यूनिट में लगी थी। आपको यहां पर आगाह कर रहे हैं, रेस्क्यू टीमों ने आग पर काबू पा लिया है, कूलिंग का अमल अभी भी जारी है। मजीद तफसीलात जान लेंगे, मुदस्सर नवाब हमारे साथ मौजूद है। मुदस्सर आगाह कीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल, ये थाना सरवर रोड के इलाका में मौलफ लाहौर की तीसरी बिल्डिंग पर ये आग अचानक भड़क उठी। एक KFC रेस्टोरेंट था जिसके अंदर जो है शॉर्ट सर्किट की वजह से आग भड़की, जिसके बाद जो है फौरी तौर पर इमदादी टीमें वहां पर पहुंची और उन्होंने अपनी कार्रवाई का आगाज कर दिया और आग पर जो है वो काबू पा लिया। लेकिन इस दौरान जो है वो तमाम रेस्टोरेंट का जो सामान था वो जलकर खाखस्तर हो गया है, जबकि इस हवाले से ताहल किसी किस्म की जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है, जबकि रेस्क्यू काम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए तमाम सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया, जिसके बाद जो है अब कूलिंग का अमल जारी है और पूरे मौलफ लाहौर में जो है इस वक्त जो है धुएं के बादल छाए हुए हैं जो, और इस हवाले से जो वहां पर जो इंतजामिया की जानेब से ये अमल पेश में लाया गया है कि आग लगने की जब इत्तला मिली तो इंतजामिया की जानेब से तमाम मॉल को खाली करवा लिया गया, लोगों को बाहर बुलवा लिया गया था, जबकि इस हवाले से जो इंतजाम हैं इंतजाम वो भी फौरी तौर पर मुकम्मल करके फौरी तौर पर आग को बुझा दिया गया है। रेस्क्यू की टीमों ने आग पर काबू पा लिया है और कूलिंग का अमल इस वक्त जारी है। शुक्रिया आपका मुदस्सर।